कर्मचारी साथियों विशेषकर ऐसे साथी जो आर के संबंध में किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं या उससे संबंध में जानकारी चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तो अपडेट है राज्य सरकार की तरफ से आरजीएसएस में जो नए हॉस्पिटल्स ऐड हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से हॉस्पिटल है जिसमें आर की सुविधा है वो सारे लिस्ट है वो लेटेस्ट लिस्ट तेरह तीन दो यानी इसी मार्च महीने की जो लेटेस्ट लिस्ट है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा जिनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है और जो फार्मेसी है जिस फार्मेसी से आप अब से संबंधित जो भी दवाइयाँ ले सकते हैं उनकी लिस्ट भी है इसके अलावा किस इस स्पेशलिस्ट ये है कि यानी कौन सा हॉस्पिटल है किस हॉस्पिटल में आप अगर चाहते हैं तो वो उसकी कैटेगरी कौन सी है इसके अलावा ऑर्डर किस ऑर्डर के तहत है और ऑर्डर की डेट और वैलिड टू कब तक उसकी मान्यता आर जी में है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा तो जैसे ये पहली पीढ़ी है मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ जिसमें है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लिस्ट ऑफ इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स एज ऑन तेरह तीन दो हजार तेईस यानी तेरह तीन दो हजार तेईस में की तारीख को जो भी हॉस्पिटल्स वो आर जी एस एस के अंडर इम्पेनल्ड है वो उनके संबंध में यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज है जैसे अजमेर से शुरुआत है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल का नाम है उसके अलावा स्पेशलिस्टी जैसे पहला हॉस्पिटल है आर ए न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजमेर का और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसके अलावा जैसे अजमेर ई एन टी हॉस्पिटल है तो ये ई एन टी से संबंधित है नाक कान गला से संबंधित दूसरा जैसे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी है जिसमें एक साथ कई सुविधाएँ इसके आगे जैसे ये आई हॉस्पिटल है तो ये ऑप्तलमोलॉजी तो यानी आई से संबंधित है ये डेंटिस्ट से संबंधित है और मल्टी स्पेशलिटी इस तरीके से ये जो भी हॉस्पिटल उसकी कैटेगरी है आप अपनी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार इसको सर्च कर सकते हैं दूसरा ऑर्डर इम्पेनल्ड अंडर आर है और कईयों में ऑर्डर है एप सिक्स जो भी ऑर्डर दिया हुआ है वो है इसके अलावा ऑर्डर डेट है वो जैसे इसमें पाँच चार दो हज़ार बाईस से ये बारह पाँच दो हज़ार बाईस से दो दो बारह दो हज़ार बाईस से इस तरीके से ये डेट्स है और ये सबसे महत्वपूर्ण तो बात वैलिड अप टू जैसे इसमें जो पहला हॉस्पिटल है ये चार चार दो हज़ार सत्ताईस तक वैलिड है इसके अलावा जैसे दूसरा है आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो ये ग्यारह पाँच दो तक है ई एन वाला हॉस्पिटल है ये एक बारह दो तक है कोई छब्बीस तक है कोई तेईस तक है जो भी इसकी लिमिटेड या इसकी वैलिड अप टू है वो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जैसे अजमेर की लिस्ट है उसके बाद में अलवर की लिस्ट है या बीकानेर की बाड़मेर की बारह जयपुर जो भरतपुर वगैरह और जैसे भी जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ये पूरी पीडीएफ है और ये तेरह पेज की पीडीएफ डी जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट शो हो जाएगी जैसे ये जोधपुर की लिस्ट है जयपुर की लिस्ट है जयपुर में जो भी हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट है उसके बाद में जैसे ये अल्फाबेटिकली लिस्ट है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर के हॉस्पिटल है इसके बाद में जैसे ये जालौर के हैं झालावाड़ के हैं उसके अलावा झुंझुनू के इस तरीके से अन्य जो भी हॉस्पिटल है जैसे ये जोधपुर के हैं तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं इसमें हॉस्पिटल का नाम है अब जैसे यहाँ ये जैसे रॉयल हॉस्पिटल ए एन है और ये कोटा का है तो ये, ये इन हॉस्पिटल है ये जनरल मेडिसिन का है कोई मल्टी स्पेशलिटी है आपकी आवश्यकता के अनुसार जैसे ये बच्चों का संबंध है नागौर का है अभी ना हॉस्पिटल है तो जैसे ये पेडियाट्रिक मेडिसिन है यानी कि बच्चों से संबंधित है गाइनिकोलॉजी हॉस्पिटल है महिलाओं से स्त्री रोग से संबंधित है तो ये इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है पहली लिस्ट ये थी दूसरी लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ इम्पेनल फार्मा स्टोर्स यानी आर की जो भी दवाइयाँ हैं आप फार्मेसी कौन कौन सी फार्मेसी किस किस जिले में ऑथराइज है जहाँ से आप दवाई खरीद सकते हैं अब जैसे यहाँ पहली लिस्ट में शुरुआत जैसे ये समता मेडिकल हॉल है ये आउटसाइड आगरा गेट अजमेर यानी जहाँ है उसकी पूरी लोकेशन भी यहाँ दी हुई है उसका एड्रेस दिया हुआ है कि ये फार्मेसी कहाँ है इस तरीके से ये जैसे ये जो अजमेर की लिस्ट है उसके बाद में राजस्थान के प्रत्येक जिले की लिस्ट है वो ये सारी है और ये भी फोर्टी पेज की पी है जैसे ये अलवर की है इसमें अलावा जैसे बांसवाड़ा की है बारह की या बाड़मेर की किसी भी लिस्ट को आप देख सकते हैं भरतपुर की है पूरे राजस्थान की जितने भी जिले हैं भिलवाड़ा बीकानेर अब जैसे कोई भी लिस्ट है तो जैसे ये एम आर फार्मा है कहाँ आई हुई है तो इसके जैसे ये ऑपोजिट पी बी एम हॉस्पिटल रोड बीकानेर इस तरीके से इसका एड्रेस भी दिया हुआ है तो आप आसानी से इसको आपके एरिया में है वो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी आपके नज़दीक में पड़ेगी अगर आप दवाई लेने जाएँ तो कौन सी जो मेडिकल आर जी एस इसके में है और आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी या नज़दीक रहेगी ये शुरू की है जैसा कि इस तरीके से पूरे राजस्थान की ये अड़तालीस पेज की जो लिस्ट है यहाँ से जैसे आप देखेंगे इस वाई मधुपुर और लास्ट में ये जैसे अड़तालीस पेज की लिस्ट है तो ये सीकर और उसके बाद में टोंक है और सबसे लास्ट में उदयपुर ए बी सी डी वाइज अल्फाबेटिकली है तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी कि जैसे ये उदयपुर की है कि जैसे ये खातेश्वर फार्मेसी है ये हिरण मगरी सेक्टर चार में है तो इस तरीके से कौन सी ये फार्मेसी कहाँ स्थित है ये भी आपको पता चल जाएगा तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें तीन यानी लगभग बत्तीस सौ सौ कि जो फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है उनकी लिस्ट है आप पता कर सकते हैं ये लिस्ट कहाँ मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा आप जैसे इसमें दूसरा तीसरी जो लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ इन पेनरल हॉस्पिटल तेरह तीन दो हज़ार तेईस इस। इसमें पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जैसे यहाँ पहला हॉस्पिटल है मेट्रो मानस आरोग्य सदन और आर्ट आर्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट जयपुर है और ये ऑर्डर डेट है वैलिड डप टू है तो ये जैसे यहाँ सभी हॉस्पिटल की वैल्यूडअप टू लिखा हुआ है अब ये जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैटेगरी के हिसाब से जैसे झुंझुनू उदयपुर वगैरह ये इस कैटेगरी के अनुसार है पहली जो लिस्ट थी उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज थी अब जैसे इसमें जैसे नोबल केयर हॉस्पिटल ये सीकर का है ये जैसे ओम हॉस्पिटल चौमू जयपुर का है इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है और ये भी चौदह पेज की लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ अब जैसे यहाँ से अब जैसे ये पहला तो जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे ये ऑब्स्टेक्ट्रिक्स और गाइनकोलॉजी की लिस्ट है ये चेस्ट और थोरेसिक या पलमोंद्री यानी जो भी सांस वास संबंधी जो भी हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट है इसके अलावा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के संबंधित जो भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट है इसके अलावा यूरोलॉजी यानी मूत्र रोग विशेष संबंधित जो भी लिस्ट है ये है ये डेंटिस्ट्री से संबंधित आपके राजस्थान में कहाँ कहाँ हॉस्पिटल आर जी एस के अंडर में इम्पेनल्ड है जहाँ आप दाँतों के इलाज के संबंध में आप जा सकते हैं तो ये सारे जो भी यहाँ दिए हुए डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंटर है वो कैटेगरी वाइज जैसे हॉस्पिटल ये जैसे आयुष हॉस्पिटल है ये न्यूरो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कि न्यूरो से संबंधित आप इलाज कहाँ कहाँ करवा सकते हैं जैसे अजमेर का है जयपुर का है उदयपुर है जयपुर है श्रीगंगानगर इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है फॉर सिक्का हो गया इस तरीके से आपकी जो भी समस्या है जैसे इसमें लास्ट में जो दिया हुआ है सेलेक्टिव जो प्रोसीजर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे ये कुछ अलग हॉस्पिटल है जिनके बारे में इसमें जैसे एक तो एच हॉस्पिटल जैसे अहमदाबाद है ये जैसे आउट ऑफ स्टेट हॉस्पिटल है जिसमें आपके uh, कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी न्यूरो सर्जरी न्यूरो यूरोलॉजी ये सारा है इसके अलावा भारत विकास परिषद कोटा का ये हॉस्पिटल है तो ये पूरी लिस्ट है आपको ये सेलेक्टिव हॉस्पिटल है स्पेशली हॉस्पिटल है इसके अलावा ये जो लिस्ट है ये आपके जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन हॉस्पिटल की, की जो लिस्ट है तो ये पूरी लिस्ट है तीनों जो पी है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा जहाँ से आप किसी भी फार्मेसी को अपने जो भी कस्बा है शहर है जिला है वहाँ कौन सी फार्मेसी आर जी एस में वो आपको लिस्ट पता चल जाएगी इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हॉस्पिटल है वो आर जी एस में है और स्पेशलिटी यानी जो हॉस्पिटल की कैटेगरी के, के वाइज आप लिस्ट अगर देखना चाहें तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी तो ये तीनों पी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप आराम से देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो ये इसी तरह की आर से संबंधित यानी कोई भी अपडेट्स है उसके लिए चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत